कोरोना के संकट के बीच में जेसीटीएल के कर्मचारियों के सामने भी अब आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि फरवरी माह से वेतन नहीं मिलने के कारण 800 से अधिक कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट अब गहराता जा रहा है। चालक और परिचालकों का इस पर कहना है कि करीब 2 माह का वेतन नहीं मिलने के कारण अब उनका घर चलाना भी मुश्किल हो गया। जेसीटीएल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विपिन चौधरी और साथ ही में जनसंपर्क सचिव महेश ओला ने इस पर बताया कि प्रशासन से लेकर सरकार तक को पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया है, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कर्मचारी तीनों डिपो में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कर्मचारियों को मार्च माह तो दूर की बात है, फरवरी का भी संपूर्ण वेतन नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारियों के सामने अपने परिवार को चलाने के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन की स्थिति में कर्मचारी को 2 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही कठिनाई भरा हो गया है। कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट